फाइनली दोस्तों यूपी बीएड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आज है, जो कि आज तक आप बिना फीस पेमेंट लेट के आप एक्चुअली जो निर्धारित फीस है उस फीस पर ही अप्लाई कर सकते हैं आज की डेट तक, यानी कि आज मध्य रात्रि 12 बजे तक आप जो है यूपी बीएड का फॉर्म अगर भरते हैं तो जो पहले से ही निर्धारित फीस है, जैसे कि यहाँ पर ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो 1400 फीस है और एससी एसटी के लिए 700 फीस इसमें निर्धारित की गई है, अगर आज की डेट में आज मध्यरात्रि तक आप भरते हैं तो आपको इतनी ही फीस देनी होगी। लेकिन दोस्तों अभी इसके बाद लेट पेमेंट इसका जो बढ़ाया गया है, लेट फीस इसका बढ़ाया गया है, वो है जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 600 उसमें और प्लस कर दिया गया है, यानी कि उन्हें जो है 2000 जो है फीस पेमेंट करना होगा अगर आज के डेट के बाद यानी कल से अगर वो अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर एससी एसटी की बात करें, अगर वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उनको यहाँ पर 700 रुपये पहले लगते थे, प्लस इसमें 300 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले दोस्तों आज की इस वीडियो में कि काफ़ी कैंडिडेट हमारे जो है अप्लाई लिंक वाले वीडियो पर काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि फीस पेमेंट यहाँ पर एक बार हो चुका है, दोबारा फीस पेमेंट मांगा जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले क्या इसकी लास्ट डेट फिर से बढ़ेगी, और इसमें बात करेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं जिन्हें एक परेशानी आ रही है सामने कैप्चा कोड की, कैप्चर कोड उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि उन्हें उनके सामने जो है कैप्चर कोड जिस तरीके से आता हो वो कैप्चर कोड की अगर हम बात करें तो नीचे कैप्चर कोड नहीं शो हो रहा है। तो ऐसी दशा में अगर वो फॉर्म भर रहे हैं और लास्ट में आते हैं तो ये कैप्चर कोड अगर उन यहाँ पर उन्हें सब कुछ फाइट ही दिख रहा तो वो करेंगे क्या। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, अगर जानकारी आपको समझ में आए तो दोस्तों यहाँ पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि फीस पेमेंट को लेकर के, तो ऑफिशियल साइट से हमने जो है पीडीएफ डाउनलोड किया है उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का, तो इसमें जो निर्देश दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर फीस पेमेंट को लेकर के हम आपको निर्देश बता देते हैं। जैसा कि इसमें काफ़ी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारा फीस कट चुका है तो क्या हम दोबारा पेमेंट करें या फिर ना करें, अगर दोस्तों यहाँ पर आपका फीस कट चुका है तो आपका फीस जो है आपका पैसा क्या आपको दोबारा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये चरण आ जाता है, यहाँ पर तृतीय चरण शुल्क भुगतान करना एवं आवेदन पत्र प्रिंट आउट प्राप्त करना। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों सबसे नीचे आप आएंगे तो इसमें निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि किसी अभ्यर्थी के खाते से, थोड़ा यहाँ से जूम करेंगे कि यदि किसी अभ्यर्थी के खाते से प्रवेश परीक्षा शुल्क की धनराशि कट जाती है किंतु लेन देन असफल होता है तो इस दशा में भुगतान की वापसी बैंक स्तर से भुगतान के मिलान के 24 घंटे के पश्चात संभव हो सकेगी। यानी कि यहाँ पर आपकी जो जिस भी मेथड से यहाँ पर अपना भुगतान करते हैं, फीस पेमेंट करते हैं, आपका उसी ही मेथड में आपका, यानी कि अगर आप फ़ोनपे या गूगल पे से या फिर UPI के थ्रू यहाँ पर आप करते हैं या फिर डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं तो आपके उसी ही बैंक अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परामर्श दिया जाता है कि अभ्यर्थी के खाते से प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान असफल होने की दशा में भुगतान का अगला प्रयास 24 घंटे के पश्चात, यानी 24 घंटे के बाद आप करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इनका साफ कहना है कि अगर आपका पेमेंट यहाँ पर कट गया है और स्टेटस में आपका फेल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप 24 घंटा वेट करें। अगर आपकी पेमेंट जो है दोस्तों आपके खाते में आ जाती है तो आप दोबारा तब पेमेंट करें, अगर पेमेंट खाते में वापस नहीं आती है तो आप वेट करें, हो सकता है 24 से थोड़ा और ज़्यादा घंटे लग सकते हैं। अब बात करें फीस पेमेंट को बढ़ाने को लेकर के, तो इसमें आप देख सकते हैं साफ बताया गया है अगर आप आज के डेट के बाद से इसमें अप्लाई करते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग और समान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें देखिए यहाँ पर 1400 पहले दिया जाता था उनसे, और उसके बाद 600 और प्लस करके उनसे लिया जाएगा, यानी कि टोटल 2000 रुपये। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें भी देख सकते हैं उनसे जो है 700 लिया जाता था प्लस 300 और कलेक्ट उसमें प्लस करके उनसे 1000 रुपये से यहाँ पर ली जाएगी। तो ये जो है उनको जो है देना होगा कल, यानी कि 4 तारीख से 10 तारीख के तक अगर वो आवेदन यहाँ पे करते हैं तब उन्हें जो है ये पेमेंट बढ़ा करके आप देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो लोग काफ़ी कमेंट यहाँ पर कर रहे हैं कि हम जब यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर नीचे जो है कैप्चर कोड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस तरीके से, अगर हम आपको एक एग्जाम्पल तौर पर इसमें बता रहे हैं, अगर आपका कैप्चर कोड वहाँ पर नहीं शो हो रहा है
आप कुछ इस तरीके का स्टेप फॉलो करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए कैप्चर कोड तो दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर सब कुछ आपको सादा दिखाई दे रहा है तो आपको करना क्या है, इसे ही कैप्चर कोड पर ऐसे कुछ देर तक आपको क्लिक करके रखना है, उस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप दोबारा देखेंगे यहाँ पर आपका कैप्चर कोड इस तरीके से शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं शो होता है तो आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड इमेज कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड इमेज कर लेंगे तो इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। इमेज ओपन करके आप सेम जो है यहाँ पर आकर के वो कैप्चर कोड डाल करके आप ये प्रोसेस अपना सकते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर देखिए बीएड कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं, उनसे अपने जो है समस्याओं का निदान यहाँ से भी पा सकते हैं। और यहाँ पर अगर लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो इसकी जो डेट है ये फिक्स डेट है, आज ही इसकी जो डेट है इसमें ऑलरेडी बता दी गई है। विदाउट लेट फीस पेमेंट के आप आज तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं विदाउट लेट फीस 3 मार्च, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेट फॉर फॉर्म सबमिशन विथ लेट फीस 4th to 10th मार्च, यानी कि 4 से 10 मार्च तक आप लेट फीस के साथ पे यहाँ पर अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो असल दोस्तों इस छोटी सी जानकारी के माध्यम से आपको एक अच्छी नोटिफिकेशन मिली होगी। आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।